सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज, सभी मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूँ तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हो गाइज। सॉरी देयर वॉज ई प्रॉब्लम विद योर रिक्वेस्ट। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइज, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो गाइज ज़्यादा टाइम ना गंवाना है और इस वीडियो को कर लेना स्टार्ट। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर नया अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो गाइस चलिए इसको कह देते पहले मिनिमाइज, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ कर लिया। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दैट इज़ प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको सर्च बारे में टाइप करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं। गाइस मेरा ऑलरेडी इंस्टाग्राम अपडेट है, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखना लीव लीव कुछ ज्वाइन मिलता है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको फोन की सेटिंग ओपन करनी है। वाइट डिफॉल्ट फोन की सेटिंग फॉर फोन में अवेलेबल रहती है, इस पर क्लिक कर लेना। इसका नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखना ऐप मैनेजमेंट। अगर आपके फोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने मिलता है, इससे क्या होता है जैसे कि आपके फोन जितने आपके फोन में एप्लीकेशन होती है सारे के सारे यहाँ पे शो होते हैं, तो आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर लेना है। ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। ऐप सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड हो जाते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कई सारे फ़ोन में की एप्लीकेशन होती है यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो आप लोग इंस्टाग्राम को देख लेना, नहीं मिल रहा तो सर्च बार में भी फाइंड कर सकते हो इंस्टाग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को फाइंड कर लिया। इंस्टाग्राम को फाइंड करने के बाद आप लोग देख सकते हो इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद परमिशन पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे सब परमिशन पहले अलाउ कर देना, देख सकते हो ऐसे यहाँ पे परमिशन सब डेनिंग है, ठीक है, डोंट अलाउ है। तो आपको सबको अलाउ कर देना, ठीक है, एक एक करके सबको अलाउ कर लेना। लोकेशन है इसको भी अलाउ कर देना है, माइक्रोफोन है इसको भी अलाउ कर देना है, इसके बाद फ़ोन को भी अलाउ कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है, यहाँ पे देखना स्टोरेज एंड कैच इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको गाइस क्या करना, नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर नीचे साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते, ठीक है, और साइड में दो ऑप्शन देखने को मिलते तो आप लोग यहाँ पे क्लियर स्टोरेज कर देना, ठीक है। इसके बाद ओके करना है, इसके बाद बैक आना है। इसके बाद आपको फिर से दोबारा से गाइस क्या करना, इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे कि हमें फिर से दोबारा से इंस्टाग्राम को ओपन किया है, इंस्टाग्राम फिर से दोबारा से ओपन करने के बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, थोड़ा सा आप लोग वेट करना, ठीक है। सो गाइस अगर आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फेसबुक अकाउंट को क्रिएट कर लिया यानी कि ज्वाइन ऐड कर लिया तो आप लोग गाइस यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो फेसबुक से, ठीक है। और नहीं किया तो गाइस क्या करना, लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। चलिए गाइस यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे लॉगिन। सो गाइस आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपके देख सकते हो इसी तरीके से आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। गाइस नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।